कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में न्यायालय में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने बंगाल की सरकार और पुलिस से मामले से जुड़े कई अहम सवाल किए, जिसमें कोर्ट ने कहा कि इस मामले में गंभीर लापरवाही हुई है। न्यायालय ने जहां राष्ट्रीय कार्यबल को चिकित्सकों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल तैयार करते समय सभी हितधारकों की बात सुनने का निर्देश दिया, वहीं प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को सामान्य कामकाज बहाल करने का भी निर्देश दिया। इससे पहले सीबीआई और कोलकाता पुलिस ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। बताते चले ये मामला सीजे चंद्रचूड़ की बेंच के पास है, जिसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल है। इससे पहले कोर्ट ने 20 अगस्त को मामले का संज्ञान लिया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि चिकित्सकों सहित स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों को कामकाज पर लौटने दिया जाए, और जब वे कामकाज पर लौटेंगे तो न्यायालय द्वारा अधिकारियों को उन पर कार्रवाई न करने के लिए मनाया जाएगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।